फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्याज से एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जो कि प्लांट को गर्मी में ठंडक देगा। साथ ही प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां गिर रही हैं, पत्तियों का रंग पीला पड़ रहा है और प्लांट में बिल्कुल ग्रोथ रुक गई है, तो उससे वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगेंगे। क्योंकि प्याज का जो नॉर्मल फर्टिलाइज़र है वो तो हम सभी बनाते हैं और प्लांट में डालते हैं, लेकिन आज मैं प्याज के फर्टिलाइज़र में एक ऐसी चीज़ मिलाऊंगी जिससे कि हमारे प्लांट को जो ज़रूरी फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे तत्व हैं वो आसानी से मिल जाएंगे और जो फर्टिलाइज़र की शक्ति है वह दुगनी हो जाएगी और प्लांट बहुत अच्छी फ्लोरिंग करेगा। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इन गर्मियों में ख़ासतौर पर हमारे रोज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि रोज़ प्लांट में गर्मी में बहुत सारी समस्याएँ शुरू हो जाती हैं। तो ये फर्टिलाइज़र यदि आप डालते हैं तो प्लांट की सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी। इस फर्टिलाइज़र के लिए आपको एक जार ले लेना है और उसमें हम प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जितने प्याज के छिलके हों आप उतना यूज़ करके और इसे बना सकते हैं। तो मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 मुट्ठी प्याज ले रही हूँ और इसको हमें इस जार में डाल देना है। प्याज में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत यूज़फुल है और उसकी जड़ों में बहुत अच्छी तरह से विकास होता है जहाँ पर आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देते हैं। और इसमें हमें पानी मिला लेना है, इतना पानी मिलाना है कि अच्छी तरह से प्याज डूब जाए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ इसमें मिलानी है जिससे ये फर्टिलाइज़र और ज़्यादा यूज़फुल हो जाए। तो ये मेरे हाथ में है चावल का पानी। चावल जब हम धोते हैं तो इसको वॉश करने के बाद जो पानी मिलता है वो हम इस फर्टिलाइज़र में यूज़ करेंगे। तो मैंने 1 गिलास के आसपास इस फर्टिलाइज़र में चावल का पानी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हिलाकर ढक्कन लगाकर रख देना है। और रखने के बाद आपको इसको 1 दिन के लिए रखना है और बीच में एक बार हिला भी देना है, जिससे कि ये फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको हमारे प्लांट में डालेंगे। अब यदि चावल के पानी का हम इसमें यूज़ करते हैं तो हमारे प्लांट के लिए जो ज़रूरी पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम है वो मिल जाते हैं। ये देखिए, 1 दिन बाद इस फर्टिलाइज़र को आप देख रहे हैं पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसको अच्छी तरह से हिला लेना है और छान लेंगे। छानने के बाद आपको कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। ये देखिए, मैं छान रही हूँ इसको और छानने के बाद ये फर्टिलाइज़र आपको इस कलर में मिलेगा और फर्टिलाइज़र पूरी तरह से बनके तैयार है। जितना हमने फर्टिलाइज़र लिया है उसकी हम 2 गुनी मात्रा में पानी मिला लेंगे। जैसे कि यदि आप 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र ले रहे हैं तो 2 हिस्से आपको सादा पानी मिलाना है और इसे हमारे रोज़ प्लांट की सॉइल में और जो भी आपके पास गुड़हल प्लांट या फूलों वाले पौधे बोगनवेलिया हैं इनमें आपको मिट्टी में डाल देना है। आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके प्लांट हरे भरे और फूलों से लदे हुए हो गए हैं। थैंक यू।